शहर की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी DHL इंफ्रा बुल्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता फोरम से एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल 2011 में DHL द्वारा बेचे गए एक प्लॉट पर सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के बाद खरीदार ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। इस पर उपभोक्ता फोरम ने DHL इंफ्राबुल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को खरीदार से ली गई मूल्य राशि 12% ब्याज के साथ लौटाने का फैसला सुनाया है। इस पूरे मामले में न्यायिक सेवा उपलब्ध करवाने वाली फर्म विधिक सेवा के संचालक और उपभोक्ता मामलों के विशेषज्ञ एडवोकेट चंचल गुप्ता ने बताया कि उनके पक्षकार पंकज नागर और सचिन भंडारी ने DHL इंफ्राबुल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से साल 2011 में प्लॉट खरीदा था। कॉलोनाइजर की ओर से इंदौर जिले के गांव मोजा तहसील देपालपुर में विकसित की जाने वाली मिलियन एरियल्स लैंडमार्क फेज वन में 1500 वर्ग फीट के प्लॉट नंबर 355 का सौदा किया गया। 16 अगस्त 2011 को सेल एग्रीमेंट किया गया। इसमें सौदे की तारीख के एक वर्ष के बाद विकास कार्य पूरा करने के लिए आश्वस्त किया गया। 5,04,000 रुपए में सौदा तय हुआ, लेकिन सौदे की तारीख के एक साल के बाद जो विकास कार्य किए जाने थे उनमें से कोई भी काम अब तक पूरा नहीं किया जा सका। इसके बाद खरीदार ने 2013 से 2015 तक कॉलोनाइजर से विकास कार्य पूर्ण करने और रजिस्ट्री करवाने को कहा, लेकिन कॉलोनाइजर की तरफ से इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 2015 में पक्षकार द्वारा उपभोक्ता फोरम के समक्ष इस मामले को रखा गया। उपभोक्ता फोरम द्वारा सुनवाई करने के बाद कॉलोनाइजर को आदेश दिए वो खरीदार की मूल राशि का 12% ब्याज के साथ लौटाए, साथ ही 50,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना की क्षतिपूर्ति, 10,000 रुपये परिवार के खर्चे का भुगतान भी करें। हमारा प्रकरण कंज्यूमर फोरम में चल रहा था। 2011 में एक DHL इंफ्राबुल्स के नाम से एक टाउनशिप बनाई गई थी, जिसमें हमारे क्लाइंट पंकज नागर जी ने भी प्लॉट खरीदा था। उसका अमाउंट कुछ 7,20,000 रुपये रहा होगा, हाँ था, 7,20,000 रुपये था। और डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने कुछ 2,16,000 रुपये अलग से लिए थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट के नाम पे, बाउंड्री बॉल, बास्केटबॉल बच्चों को खेलने के लिए पार्क, बहुत और स्विमिंग पूल, बहुत सारी चीज़ें के कमिटमेंट किए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। मतलब 2011 में हमारे क्लाइंट ने प्लॉट बुक कराया था, उसके बाद 2015 तक उन्होंने वेट किया कि वो कुछ डेवलपमेंट करेंगे उन्होंने, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। उसके बाद हमारे क्लाइंट पंकज नागर जी ने हमारे पास आकर कहा कि इसका कुछ निराकरण हो सकता है क्या, तो हमने कंज्यूमर फोरम में केस लगाया था। कंज्यूमर फोरम में अभी 2015 में हमने लगाया था, जिसका अभी 17/11 को निराकरण हुआ, जिसमें माननीय पाली पीके साहब थे, पालूदा साहब थे, उन्होंने 7,20,000 रुपये पूरे और 12% ब्याज की दर से प्रकरण लगाने के साल से लेके आज तक 12% की दर से हमें कंपनसेशन दिलाने के आदेश किए हैं। उसके अलावा 50,000 रुपये मेंटल हरासमेंट के और 10,000 रुपये न्यायालय के व्यय के हमें प्रदान किए गए, यही ऑर्डर हुआ है। पीड़िता इस आदेश से खुश है और आगे आगामी लोग जो ये फ्रॉड में फंस जाते हैं उन लोगों के लिए क्या अच्छी खबर है ये? हाँ जी, ये बहुत अच्छी खबर है। जनरली ऐसे निर्णय वैसे देखने को मिलते नहीं हैं मेरी नज़रों में भी, मतलब कुछ ये पहला या दूसरा मैटर होगा जिसमें पूरा कंपनसेशन, उसके बाद ब्याज, मेंटल हरासमेंट, इतना पूरा अमाउंट दिया गया है, तो ये एक राहत भरा ही है। और उसके अलावा आगे भी, मतलब लोगों को इस आदेश से आगे भी राहत मिलेगा। आपका नाम? एडवोकेट सपना यादव।